आज हम जो रेसिपी बनाएंगे उसे अगर आपने एक बार भी ट्राई कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए या फिर कुछ अलग और स्पेशल बनाना हो तो मेरी आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने किचन से ही कुछ चीज़ें निकाल के आप इसे झटपट से और आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। मैदा के जगह पे आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें छान लेना है। इसमें 1/4 टीस्पून हम डालेंगे नमक और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है। तेल के जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद इसे हमें मैदे में अच्छे से मिला लेना है। तो जितना अच्छे से हम इसे मैदे में मिलाएंगे जो हमारा नाश्ता है उतना ही टेस्टी बनेगा, उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो एकदम अच्छे से हाथों से मसल मसल के इसे हमें मैदे के साथ मिला लेना है। एक बार मुट्ठी लगा के आप चेक कर सकते हैं, अगर ये मुट्ठी में बच जा रहा है तो इसका मतलब एकदम परफेक्ट हमने इसमें मोयन दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हमें नॉर्मल गूँथ लेना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पे हमें इसको गूँथते समय बहुत ही ध्यान देना है, ना इसको हमें सख्त रखना है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, एकदम मीडियम रखना है, नहीं तो जो हमारा स्नैक्स है उसको बनाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम इसको नॉर्मल रखा है। अब हम बिना पानी लगाए इसको 5 मिनट तक अच्छे से मसल मसल के गूँथ लेंगे। तो हमने इसमें बहुत अच्छे से तेल का मोयन दिया है जिसके वजह से ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगा और इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही हमें अच्छे से मसलते हुए मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद इसे हमें ढक के 10 से 12 मिनट तक छोड़ देना है। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम 1 टेबल स्पून तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा सा चलाते हुए हमें भून लेना है। जब अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाए तब हम इसमें आलू डालेंगे। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज के आलू को मैंने अच्छे से मैश करके डाला है। कोई भी आलू का इसमें बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। तो यहाँ पे नमक बहुत ही ध्यान से डालना है क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला था। 1/2 टीस्पून डालेंगे अजवाइन। 1/2 टीस्पून इसमें दरदरा कूटा हुआ मैंने जीरा डाला है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। इसके अंदर बहुत ही कम मसाले डालने होंगे हमें। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाला है। मसाले डालने के बाद आलू को हमें अच्छे से भून लेना है। आलू को बिल्कुल हमें ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो 3 से 4 मिनट तक इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। देखिए आलू अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाला है। हरा धनिया डालने के बाद एक बार फिर हम इसे 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो हमने इसमें धनिया डाला है इसमें अगर कोई मॉइस्चर है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अच्छे से इसको चलाते हुए हम भून लेंगे और गैस अब हम बंद कर देंगे। इस स्टफिंग को हमें पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। जब ये स्टफिंग पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसमें 3 टेबल स्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आप चाहें तो इसके जगह पे अरारोट या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से हाथों की सहायता से मिला लेना है। इस स्टफिंग के हमें छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी करना है। इसका साइज़ बिल्कुल मैंने नींबू के बराबर रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हमें इसको नहीं बनाना है। इस तरीके से सारे स्टफिंग से हम छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। और आटा को भी रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गया है, आटा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो जितना बड़ा आपका चकला या फिर जहां आप इसको बेलेंगे उस हिसाब से इसकी लोई आप बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। और इसको हम बेलेंगे। तो अगर आपको बेलते समय ज़रा भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर आटा लगा सकते हैं। और इसको हमें बहुत मोटा नहीं रखना है, जितना मोटा हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उतना ही मैंने इसको बेल के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। और किसी भी ग्लास या कटोरी की मदद से इसे हमें काट लेना है।
तो इसकी हमें छोटी छोटी जो पूड़ियाँ हैं बना के रेडी कर लेना है। और इस तरीके से हम एक साथ 5-6 पूड़ियाँ बना के रेडी कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको भी बेल के सेम इसी तरीके से हमें पूड़ियाँ बना के काट लेना है। और ये एक प्लेट में हम निकाल के इसको रख लेंगे। और एक हम इस अभी लेते हैं, इसके ऊपर हम एक स्टफिंग रखेंगे और इसके साइडों पे हल्का सा पानी लगा लेना है। अच्छे से इस स्टफिंग को आटे में हमें पैक कर लेना है, कहीं से भी ये खुला नहीं होना चाहिए। और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना है। हमने जो इसमें स्टफिंग डाला है वो अच्छे से पूरे पूड़ी के अंदर अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। तो हल्का हल्का हाथों से इसको दबाएंगे, बेलने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा हाथों से इसको दबाएंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाता है। इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा और पतला कर लिया है। अब चाकू की मदद से इसके साइडों पे हमें कट लगाना है। तो आधा इंच की लंबाई में हमें इसे कट लगा लेना है। 5 से 6 जगह हम इसे काट लेंगे इस तरीके से। और जो इसके साइडें हैं इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का पानी लगाएंगे। और इसको इस तरीके से दोनों कोनों को हमें एक साथ मिलाते हुए एक फ्लावर जैसा हमें इसमें शेप देना है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप एक बार वीडियो क्लिप में आराम से देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारा नाश्ता बना के रेडी करना है। तो बस इसके दोनों कोनों को जोड़ते जाना है हमें, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और बीच में भी थोड़ा सा मैंने पानी लगा के ये कलौंजी है जो बीच में हम थोड़ा सा लगा देंगे, इससे देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से सारे नाश्ता को देखिए मैंने बना के रेडी कर लिया है। और इसको हम ढक के ही रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। इसके बाद चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल को यहाँ पे हल्का ही गर्म करना है। अगर आप तेज आंच पे तेल को गर्म करेंगे तो ये नाश्ता डालते ही ऊपर से एकदम से इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये जो मैदा है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसको हमें एकदम लो मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है ताकि अच्छे से ये इसका कलर भी अच्छा आए और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए, जैसे हम समोसा वगैरह फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए अच्छे से इसको 2-3 बार हम पलटते भी रहेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसा इस पर कलर आए। तो जब ये नाश्ता अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो इसको हम तेल से निकाल के किसी भी छन्नी या टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो अलग हो जाए। तो ये सारा नाश्ता बना के देखिए मैंने रेडी कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, साथ ही मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।